दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर मामा शकुनी किस देश के राजा थे और उनका वध आखिर किसने किया था? द भक्ति में पहली बार आपको मामा शकुनी के जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक का रहस्य हम जरूर बताएंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही असली शक्ति। दोस्तों, हमने अपने हर वीडियो में महाभारत के हर एक पात्र को लेकर अलग अलग रहस्यमय ढंग से आपको बातें बताई हैं, इसीलिए आज हम शकुनी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर महाभारत के खास प्रसंग में अगर शकुनी जी की बातें ना हो तो फिर मजा ही कहाँ। दोस्तों, वो किस देश के राजा थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और क्या थे उनके पीछे के और रहस्य, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसीलिए आज के इस खास वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, शकुनी जी गांधार साम्राज्य के राजा थे। ये स्थान आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। वे हस्तिनापुर महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरवों के मामा। दुर्योधन की कुटिल नीति के पीछे शकुनी जी का ही हाथ था। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख रूप से थे। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल जाल में फंसाता चला गया और उन्हें उकसाता चला गया। दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं कि अगर महाभारत में शकुनी ना होते तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। शकुनी के ही कारण कौरवों और पांडव एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और शकुनी महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र है। गांधारी जी के भाई, और वह अपनी बहन से तो इतना प्यार करते थे कि पूछो ही मत। वो अपनी बहन से इतना प्यार करते थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते गांधारी का पति उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? दोस्तों, शकुनी का मनपसंद खेल चौसर था। कहते हैं वह जो बोलता था वही अंक का पासा आ जाता था। इस चौसर के खेल में शकुनी ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया, पांडवों से उनका राजपाट छीनकर वनवास भी भेज दिया और साथ ही उनसे कई बार पांडवों के साथ भी छल किया हुआ देखा जा सकता है। अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चाले चलने के लिए उकसाते रहे। दोस्तों, महाभारत के अनुसार शकुनी के पिता का नाम राजा सुबल और माता का नाम सुरदबा था, और राजा सुबल गांधार के राजा थे जो आज के समय में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। शकुनी की पत्नी का नाम था आरशी और पुत्र का नाम था उलूक। दोस्तों, उलूक ने ही युद्ध से पहले कौरवों का संदेश पांडवों को सुनाया था। तीसरी बात कि युद्ध में सहदेव ने वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उल्क को घायल कर दिया और देखते ही देखते उल्क का वध कर दिया। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी बहुत दुखी हुआ, वह युद्ध छोड़कर भागने लगा। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया, और घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया। अंत में सहदेव के हाथों वह मारे गए। आखिरी बात, सहदेव ने शकुनी का वध 18वें दिन किया था। शकुनी के अन्य भाइयों ने भी युद्ध में हिस्सा लिया था और उनका वध अर्जुन ने किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।